हेलो दोस्तों, जो विद्यार्थी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अंदर स्टडी करते हैं रेगुलर या प्राइवेट, उन्हां दी डेटशीट आ चुकी आ जी। तुसीं जिहड़ी भी क्लास में पढ़ रहे हो, स्टडी कर रहे हो जां प्राइवेट स्टडी लई हुई आ, तुसीं अपनी डेटशीट डाउनलोड कर सकते हो। तो जिहड़ा भी तुहाडा समैस्टर चलता पिया वा, जिन्हां दे नवीं एडमिशन आई उन्हां दा पहला समैस्टर होगा जी, तो जिन्हां दे वख-वख समैस्टर हैगे आ जी एग्जाम, वो अपनी डेटशीट डाउनलोड कर सकते हो जी। तो किदा तुसी डाउनलोड कर सकते हो जी, किसी भी क्लास की डेटशीट उहदे बारे मैं दसांगा जी। तुसी सब तो पहले गूगल अपना जां क्रोम अपना खोल लेना जी, ब्राउजर वगैरह। तो तुसी गूगल या क्रोम पर जो कि ओपन करोगे तो JNU डेटशीट लिख देना जी। तो JNU डेटशीट लिखने तो बाद पहले लिंक पर आ जाना, भावें तुसी ओपन डिस्टेंस कर रहे हो जी, प्राइवेट कर रहे हो जां JNU अंदर कॉलेज आ रहे हो उन्होंने अंदर स्टडी कर रहे हो, अपनी डेटशीट डाउनलोड कर सकते हो जी। तो तुसी जीयर तो मंथ न्यू कुछ नहीं सिलेक्ट करना, ये आटोमैटिक फिल होगा जी। तो जे तो ग्रैजुएशन करना हो फिर तो अंडर ग्रैजुएट सैमेस्टर सिस्टम के क्लिक करोगे, जो तुम मास्टर वगैरह मतलब कि कर रहे हो तो पोस्ट ग्रैजुएट क्लिक करोगे। तो जिदा अंडर ग्रैजुएट क्लिक करते हैं ये BA BSc BCOM BBA BSc BCA BCOM BSc मतलब कि सारे मतलब कि आ चुके हैं जी आलमोस्ट। तो तुम देख सकते हो BEd ठीक है जी। जे मतलब जिन्होंने मास्टर की हुई है जी तो उन्होंने आप देखते हैं, तो जिदा मास्टर के MA MSc 19 सबजैक्ट होंगे जी, सॉरी 19 सबजैक्ट होंगे जी MA के, उन्होंने भी डेटशीट आ चुकी है। MSc MA ठीक है जी, जिहड़ी भी तुसी मास्टर डिग्री कर रहे हो तुसी अपनी डेटशीट डाउनलोड कर सकते हो। जिदा मान लो मैं करदा जी BA की करदा अंडर ग्रैजुएट के, ज़्यादातर BA वाले कैंडिडेट होंगे, तुसी अंडर ग्रैजुएट के क्लिक करोगे जी, सॉरी NO सिस्टम हो गया सी मेरे तो, उस तो बाद BA ते BSc क्लिक कर दियो तो तुहाडे सामने डेटशीट डाउनलोड हो जाती है। आ स्टैप फॉलो करके तुसी अपनी डेटशीट डाउनलोड कर सकते हो। तो यह है कि बाकी रिवाइज हो जाती है जी, इस करके तुसी टेंशन नहीं लेनी। तो ऑफलाइन मोड राही तुहाडे पेपर होने हैं जी, तो सिलेबस तुसी डाउनलोड करके अपनी तैयारी रखो जी। तो बाकी तुहानू एक होर चीज़ दस्सदा कि तुहाडा हुण एग्जाम शिफ्ट वाइज, क्योंकि तुहाडा रिपोर्टिंग टाइम होंदा वा 15 मिनट पहला तुसी पेपर देने पहुँचना वा, 3 घंटे टाइम होंदा वा, तुसी उन्ने टाइम दे विच पेपर देना हुंदा वा दा ठीक आ, कईआं दा इवनिंग हुंदा वा। तो बाकी जिहड़ा तुहाडा रोल नंबर आ जी वो तुहानू मिल गई, जिहड़ा प्राइवेट कैंडिडेट आ जिहड़े रैगूलर नूं तां कॉलेज दे विचों मिल जाणा, तो प्राइवेट नूं उहनां दे मतलब कि ऑनलाइन स्टूडेंट ID उत्थे मिल जूगा जी। तुसी स्टूडेंट ID तो अपना रोल नंबर डाउनलोड कर सकते हो, तां थोड़े दिन तक तुसी अपना डाउनलोड कर सकते हो जी। वह तुहाडा साइड ते आ जाणा, जिसे तुसी प्रिंट एडमिट कार्ड लिखो जो स्टूडेंट ID भरोगे तो अपना प्रिंट एडमिट कार्ड ते क्लिक करोगे तुसी डाउनलोड कर सकते हो। मैं वीडियो एक पा दांगा आई बटन से, तुसी देख के उन्होंने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो।